अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल होम ब्यूटी टिप्स एंड ट्रिक्स। में आज आप दोस्तों के साथ जो होम रेमेडी शेयर करने वाली हूँ वो है एंटी एजिंग मास्क। ये एक ऐसा इफेक्टिव मास्क है जो कि ना सिर्फ आपके अंडर आई की फाइन लाइंस को दूर करेगा बल्कि चेहरे पर मौजूद तमाम फाइन लाइंस झुर्रियों को ट्रीट करेगा। खासतौर पर मौसम सरमा में हमारी स्किन जो है वो बहुत ड्राई हो जाती है, उसे डीपली हाइड्रेट करने की ज़रूरत होती है क्योंकि ड्राई होने की वजह से ही स्किन पर झुर्रियाँ और फाइन लाइंस आती हैं। और उसके साथ अगर आपके चेहरे पर फ्रैकल मौजूद हैं, दाग धब्बे हैं, उसको भी ये ट्रीट करेगा। और अगर पहले कभी एक्नी मौजूद थी और अब सिर्फ एक्नी के निशान हैं तो उसको मिटाने के लिए भी ये मास्क बहुत अच्छा है। रेमेडी की तमाम तफसील को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखते रहिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेमेडी। रेमेडी की इंग्रेडिएंट चीज़ें सारी आपके सामने हैं। ये तमाम वही चीज़ें हैं जो आमतौर पर हर घर में आसानी से मौजूद होती हैं। मेरी पूरी कोशिश होती है कि ऐसी रेमेडीज़ आप लोगों के साथ शेयर की जाएं जिसके लिए आपको किसी दिक्कत और दुश्वारी का सामना ना करना पड़े, आपके किचन में आपके घर में वो चीज़ें मौजूद हों। तो सबसे पहले इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें अलसी के बीजों से एक जेल तैयार करना है। बनाना बहुत आसान है। इसके लिए एक पैन में पानी शामिल करें तकरीबन एक गिलास और उसके अंदर 50 ग्राम के करीब मैंने अलसी के बीज शामिल कर दिए, चूल्हे पर चढ़ा दिया इस तरह से। इसे 5 से 10 जोश आपने दिलाने हैं या फिर यूँ कह लीजिए उस वक्त तक पकाना है जब तक कि ये पानी जो है वो अच्छी तरह से जल की कंसिस्टेंसी में नहीं आ जाता, जो एक जेल में कन्वर्ट नहीं हो जाता। आप देखेंगे 5 से 10 मिनट पकने के बाद ये अच्छी तरह से जेल की कंसिस्टेंसी में आ जाएगी। जैसा कि आपके सामने है ये तकरीबन 10 मिनट पकने के बाद इस तरह की कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। अभी बहुत गर्म है, जब ये ठंडा होगा तो ये और भी थिक और भी गाढ़ा हो जाएगा। अच्छी तरह से आपने किसी भी स्टेनर से किसी भी कपड़े की मदद से अच्छी तरह से स्टेन कर लेना है और एक बर्तन में निकाल लें। उसके बाद हम रेमेडी बनाना स्टार्ट करते हैं सही मायनों में। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक बोल के अंदर शामिल करना है तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच या फिर हसबे ज़रूरत कह लीजिए बेसन शामिल करेंगे। बेसन माइल्ड से स्क्रबर का काम करेगा, चेहरे पर जो भी डेड स्किन है उसके लिए ये बहुत इफेक्टिव है, उसे रिमूव करेगा। उसके साथ साथ दूसरी चीज़ हम इसमें शामिल करेंगे एग वाइट की। एग वाइट को वैसे भी अगर आप बीट करके अपने चेहरे पर लगाएंगे तो ये फाइन लाइंस को दूर करेगा और ओपन पोर्स को भी श्रिंक करेगा। उसके बाद चुटकी भर हम इसमें टर्मरिक शामिल कर रहे हैं जो कि आपकी स्किन को लाइट बनाएगी। उसके साथ हम शामिल करेंगे 1 चम्मच के करीब बादाम का तेल जो कि आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा और डीपली हाइड्रेट करेगा। फिर हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1/2 चम्मच के करीब हनी मतलब के शहद का। ये भी आपकी स्किन के अंदर जो भी फाइन लाइंस हैं उसे रिमूव करते हुए अगर एक्नी है तो उसे भी ट्रीट करेगा। और फिर हम शामिल करेंगे 2 चम्मच वो एलसी का जेल जो हमने आपके सामने तैयार किया है। इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्सिंग ज़रा मुश्किल होगी इसलिए क्योंकि इसके अंदर हमने एग वाइट शामिल किया है, वो भी मुश्किल से मिक्स होगी। इसके अंदर हमने जेल शामिल किया है तो फिर बेहतर है कि आप कोई फोग लें और इसे अच्छी तरह से बीट करें। इतना बीट आपने करना है कि इसके अंदर किसी तरह की कोई गुठली बाकी ना रहे और ये बहुत फाइन सा पेस्ट बन जाए। ये रेडी हो जाएगा, फिर तैयार हो जाएगा अप्लाई करने के लिए। आपने हफ्ते में कम से कम इसे 3 मरतबा ज़रूर इस्तेमाल करना है। और अगर फाइन लाइंस और झुर्रियाँ ज़्यादा हैं, दाग धब्बे ज़्यादा हैं तो फिर ज़रूरी है कि 1 हफ्ता आप कंटिन्यूसली हर रोज़ इस्तेमाल करें और फिर अगले वीक से 1 दिन छोड़ के 1 दिन इस्तेमाल करें। पहली ही दफ़ा के इस्तेमाल से आप वाज़े रिज़ल्ट देखेंगे लेकिन बेहतरीन रिज़ल्ट के लिए ज़रूरी है इसका मुसलसल इस्तेमाल करते रहें। आप 1 महीने तक 1 दिन छोड़ के 1 दिन इस्तेमाल करें और फिर जो भी रिज़ल्ट मिले मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना रखिएगा ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त, फिर किसी और रेमेडी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।